अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में पास्ता बहुत सारी वेजीज के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने पास्ता लिया 250 ग्राम है। इसको हम वॉश कर लेंगे पहले अच्छे से, फिर इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए, हमने पानी 1 लीटर ले लिया भगोने में। इसको हम पानी गर्म होने के लिए रख दिया हमने, और ये हमने अपना पास्ता वॉश कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच पानी में नमक डालेंगे, 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे बॉईल करने के लिए। ये देखिए, हमने पास्ता इसमें डाल दिया है और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, 1 टीस्पून, ताकि पास्ता आपस में चिपके रहें। और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। लगभग 90% ये बॉईल हो जाएगा, तब इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए, हमने पास्ता ये हमने अपने घी बॉयल हो चुका है, हमने निकाल लिया। इसको भगोने से छान लिया है पानी इसका। इसको एक बार और हमने ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। ये हमारा 90% पास्ता कुक हो गया है। इसको हम डालने के लिए, ये हमने कुछ वेजीज ली हैं डालने के लिए। ये हमने 2 जो है हरी मिर्च ली हैं, इसको महीन काट लिया है। ये 1 मीडियम साइज का प्याज है जो बारीक काटा हुआ है। ये शिमला मिर्च है 1 मीडियम साइज की। ये 2 टेबल स्पून जो है मटर है, और ये 3 अदद टमाटर है मीडियम साइज के, उन्हें काटे हैं। ये सब इसमें जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला हुआ है। इसमें हम पहले बारीक कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, 3 से 4 कली लहसुन की जो बारीक काट ली थी हमने, डालेंगे। थोड़ा सा इसे सॉटे कर लेंगे। ये हमारे लहसुन देखिए थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी कर लेंगे, थोड़ा नरम कर लेंगे, जल गया थोड़ा सा प्याज। देखिए, हमारी जो वेजीज जो है फ्राई हो चुकी है। थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे गलने के लिए, 1/2 चम्मच के करीब, क्योंकि पास्ता में हमने पहले से ही उबालों में नमक डाल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, और ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से पका लेंगे मिला के। लगभग 1/4 कप इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख देंगे। हमारी थोड़ी टमाटर और वेजीज गल जाए मीडियम लो फ्लेम पर। ये देखिए, हमारे ये टमाटर और शिमला मिर्च सब गल गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस, और इसको चला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये पास्ता अपना बॉईल करा हुआ। देखिए, हमने पास्ता सारी वेजीज में अच्छे से मिला लिया है। बस 1-2 मिनट इसको और चलाएंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए, हमारा पास्ता
पूरी तरह से पक चुका है, तैयार हो गया। अब इस गैस ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारा देसी पास्ता तैयार है। अगर आपको हमारे पास्ते की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें, हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे बेल के आइकन को जरूर दबाएं।